जय हिंद दोस्तों, आइए आज हम लोग जो है वो क्लास 11 का जो जैक का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर आया है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये मॉडल क्वेश्चन पेपर में आप लोग को टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 40 क्वेश्चन। इसमें सारे क्वेश्चन 1 मार्क से होंगे और सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, कोई भी आंसर में गलत देने पर आपका नंबर नहीं कटेगा, इसलिए सारे क्वेश्चंस का अटेम्प्ट आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन में आ जाते हैं बिना कोई समय बर्बाद किए हुए। ये सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको आएगा वो आपको पैसेज है, पैसेज को पढ़ना है और आंसर देना है। यहाँ पैसेज हातिम टाई के बारे में है। हातिम टाई इज अ नेम दैट इज एसोसिएटेड विथ जेनरोसिटी। जेनरोसिटी माने उदारता। हातिम टाई एक ऐसा नाम है, हम लोग को बताया जा रहा है, जो कि उदारता से जुड़ा हुआ है एंड सिवेलरी वीरता से जुड़ा हुआ है। वीरता उदार व्यक्ति वो था। हिज लेजेंड्स, लेजेंड्स का मतलब होता है, देखिए लेजेंड्स का दो अर्थ होता है। एक होता है कि वैसा व्यक्ति जो किसी खास क्षेत्र में बहुत पॉपुलर हो चुका है, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी, हम लोग बोलते हैं कि वो एक लेजेंड प्लेयर है, मतलब कि वो खास क्षेत्र में काफ़ी पॉपुलर हो गया है। और दूसरा होता है उससे जुड़ी हुई छोटी छोटी कहानियाँ। तो यहाँ पर है हिज लेजेंड्स, उसकी कहानियाँ जो हैं वो आर पॉपुलर, बहुत प्रसिद्ध हैं, कि कई लोगों की मदद किया, कई लोगों का अच्छा काम किया, मुसीबत से निकाला, ऐसी कहानियाँ बहुत पॉपुलर है थ्रू आउट द अरब, पूरा अरब देश में और भारत और एशियन नेशंस, मतलब एशिया के भी देशों में। हिज ग्रेट ग्रैंडफादर, उसके परदादा, ठीक है, स्टेबलाइज्ड अ, उन्होंने स्थापित किया एक प्रोस्पेरस, मतलब समृद्ध एंड पीसफुल किंगडम, शांतिपूर्ण साम्राज्य का स्थापना किया आफ्टर डिफीटिंग द टायरेंट किंग ऑफ यमन। यमन के अत्याचारी तानाशाही राजा को हराकर उन्होंने एक राज्य बनाया जिसमें काफ़ी सुखी संपन्न और शांत राज्य था। वो कोई लड़ाई झगड़ा वहाँ पर नहीं होता था, वो सभी लोग लगभग वहाँ पर सुखी संपन्न थे, अच्छे थे। ठीक है, द डे हातिम टाई वाज बॉर्न, जिस दिन हातिम टाई का जन्म हुआ था, ही शोड द साइंस ऑफ जेनरोसिटी, उसी दिन उसने उदारता का जो है वो संकेत दिखा दिया। क्योंकि ही रिफ्यूज टू टेक हिज फीड, उसने भोजन लेने से इनकार कर दिया था। अब भाई भोजन लेने से इनकार कर दिया तो उसने कैसे उदारता दिखाई? तो इसका जवाब हमको अभी आगे मिलेगा। फेमस एस्ट्रोलॉजर्स, तब क्या किए उसके पिताजी ने, प्रसिद्ध ज्योतिषियों को, एस्ट्रोलॉजर्स मतलब ज्योतिष, वेयर कॉल्ड इन, बुलाया गया टू स्टडी हिज बर्थ चार्ट, क्या ये भाई इनका जन्म कुंडली वगैरह देखिए कि क्या बात है, क्यों बच्चा दूध नहीं पी रहा है। दे डिक्लेयर्ड, तो जब ज्योतिषियों ने आया जन्म कुंडली को पढ़ा तो घोषणा किया, क्या घोषणा किया, कि हातिम विल ग्रो अप, ग्रो अप माने बड़ा होगा, टू बी द मोस्ट जेनरस मैन, दुनिया का सबसे उदार व्यक्ति बनेगा। ही विल सर्व मैनकाइंड, मैनकाइंड माने मानव जाति, वो मानव जाति की सेवा करेगा। ही विल नॉट टेक हिज फीड, अपना भोजन लेगा ही नहीं, एलोन, एलोन माने अकेले, अकेले कभी भोजन नहीं करेगा, या इवन ईट इफ समवन नियर हिम इज हंग्री, उसके आसपास अगर कोई भूखा व्यक्ति है तो वह कभी भी भोजन नहीं करेगा। यू मस्ट फीड अदर्स, तो राजा साहेब अगर आप इस बच्चे को खिलाना चाह रहे हैं तो आपको अवश्य ही दूसरों को, हिम टू टेक हिज ऑन फूड, दूसरों को पहले खिलाइए तब वो अपना भोजन करेगा। ऑन हियरिंग दिस, यह सुनकर हातिम टाई फादर टुक चार्ज ऑफ ऑल द चिल्ड्रेन बॉर्न ऑन द सेम डे। हातिम टाई के पिताजी, देखिए हातिम टाई फादर, हातिम टाई के पिताजी ने टुक चार्ज मतलब ठेका ले लिया, एक तरह से शुद्ध हिंदी में बोल सकते ठेका ले लेना, ठेका ले लिया ऑफ ऑल द चिल्ड्रेन, सभी बच्चों का, बॉर्न ऑन द सेम डे एज हातिम, जिस दिन हातिम का जन्म हुआ था और बच्चे जो जन्म लिए थे उस दिन जन्म में, सभी बच्चों का उन्होंने ठेका ले लिया कि सबका लालन पालन पोषण हम करेंगे। दे वेयर ब्राउट इन, सभी बच्चों को बुलाया गया वहाँ राजा के महल में, द कोर्ट, कोर्ट मतलब राज दरबार में, एंड और फेड बाई द सेम नर्स, नर्स मैंने आया, सेम आया के द्वारा, राजा लोग को जो बच्चा लोग को पालने पोसने के लिए आया होते थे उनको नर्स बोला जाता था, ठीक है, तो आया के द्वारा पिलाया गया दूध, खिलाया गया जो भी होता है। हु वाज केप्ट फॉर हातिम, जो हातिम के लिए आया रखी गई थी उसी आया ने सारे बच्चों को दूध पिलाया। देयर आफ्टर, उसके बाद
हातिम टू हैप्पीली टूक हिज फीड, तब हातिम भी खुशी खुशी फिर अपना दूध पी लिया। तो यह पैसेज था। अब इस पैसेज को जब पढ़ लिए हैं आप तो आंसर देने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग आते हैं पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन आपका है हु डिफीटेड द टायरेंट किंग ऑफ यमन। तो आप लोग वहाँ स्टार्टिंग में ही पढ़े थे, स्टार्टिंग में ही था कि डिफीटिंग द टायरेंट किंग ऑफ यमन कौन, ग्रेट ग्रैंड फादर। तो हातिम टाइ के ग्रेट ग्रैंड फादर ने, हातिम टाइ ग्रेट ग्रैंड फादर, यहाँ पर देखिए ग्रेट ग्रैंड फादर, ठीक है, किंग ऑफ यमन को डिफीट किया था। दूसरा, हातिम टाई वाज द किंग ऑफ, हातिम टाई जो है राजा था कहाँ का। तो जब उसके पैसेज में डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है हातिम टाई कहाँ का राजा था, लेकिन जब जहाँ के दादा उसके जहाँ के राजा थे, पिताजी भी वहीं के राजा बनेंगे, दादाजी के बाद पिताजी और पिताजी के बाद हातिम टाई, तो यमन के उसने राजा को हरा के वहाँ का शासन बनाया था, तो यमन का ही राजा हातिम टाई भी बनेगा, तो यहाँ यमन हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट, व्हाट हैपेंड आफ्टर हातिम टाई वाज बॉर्न, जब हातिम टाई का जन्म हुआ था तो उस दिन क्या हुआ था। तो हातिम टाई का जब जन्म हुआ था तो स्टोरी हम लोग पढ़े हैं कि उसने दूध पीने से इनकार कर दिया था, क्योंकि और बच्चे भूखे थे, जब तक सब नहीं पी लेता तब तक वो नहीं पीता, तो ही रिफ्यूज टू टेक हिज फीड। पैसेज आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, पैसेज पढ़ के समझ में आएगा, आंसर देना बहुत ईजी होता है, अदरवाइज थोड़ा डिफिकल्ट होगा, गलत भी हो सकता है अगर पैसेज को गलत तरीका से समझ गए तब। जैसे एक बच्चे ने मार दिया आंसर क्या, कि वहीं पर था कि कहाँ का राजा बना, तो उसने बोल दिया एशिया का राजा बना, तो एशियन में कहानी पॉपुलर था वहाँ पर, ऐसा थोड़ी है कि वहाँ का राजा था, यमन को हराया राजा को उसके दादाजी ने, तो यमन का, तो ऐसा नहीं कि पैसेज को उटांग पुटांग पढ़ के समझ गए और उटांग पुटांग आंसर मार देंगे। अब देखिए, हु वी आर कॉल्ड टू स्टडी द बर्थ चार्ट ऑफ हातिम, हातिम का जन्म कुंडली पढ़ने के लिए किसको बुलाया गया था। तो ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजर्स मतलब ज्योतिष, नर्स माने आया, वो तो दूध पिला रही थी, मिनिस्टर तो मंत्री का काम तो जो है वो बर्थ चार्ट पढ़ना नहीं होता है, डॉक्टर का काम तो इलाज करना होता है, ठीक है, तो ये सब नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। फिर आते हैं पांचवा में, टुक द चार्ज ऑफ ऑल द चिल्ड्रन, अच्छा टुक वी हु टुक द चार्ज ऑफ ऑल द चिल्ड्रेन बॉर्न ऑन द सेम डे एज हातिम, हातिम का जन्म हुआ था उस दिन बाकी सभी बच्चों का चार्ज किसने ले लिया। तो सभी बच्चों का चार्ज हातिम ताई के पिताजी ने लिया, हातिम ताई के पिताजी ने ही बुलाया था बाकी लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये पैसेज से आपका सारा क्वेश्चन खत्म हो गया, पैसेज पढ़ लिए आराम से, हम लोगों ने उसका आंसर दे दिया। नाउ अब आपका ये राइटिंग सेक्शन से लेटर एसे वगैरह जो आप लिखते हैं राइटिंग पढ़ोगे उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है एब्रीविएशंस का, कि एब्रीविएशंस आर फ्रीली यूज्ड, मतलब खुल के जितना इस्तेमाल करना है करिए, वो कहाँ कर सकते हैं। तो नोटिस में हम लोग कोई शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेटर में भी नहीं करते हैं, नोट में करते हैं, क्यों, क्योंकि नोट में पैसेज में कोई भी चीज़ बार बार आ रहा है तो उसको शॉर्ट में हम दे देते हैं। जैसे मान लीजिए पीएम बोलना है, प्राइम मिनिस्टर, तो उसको हम लिख दिए पीएम। अब जहाँ जहाँ प्राइम मिनिस्टर आएगा पीएम पीएम लिखेंगे और लास्ट में एक चार्ट दे देते हैं, शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म ये होता है। नोट मेकिंग का जब पूरा डिटेल में पढ़िएगा तो बतलाया जाएगा कि ये होता है, ठीक है। आर्टिकल मतलब तो लेख होता है, तो लेख में हम शॉर्ट फॉर्म क्यों इस्तेमाल करेंगे। फिर सेवन नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ समरी राइटिंग। जब आप किसी बचपन से ये काम तो सब लोग बच्चे लोग करते हैं, पैसेज करते हैं तो समरी बनाते हैं, सारांश लिखते हैं। तो सारांश लिखते हैं तो क्या करते हैं, कोई भी कहानी होता है शॉर्ट में हम उसको लिखते हैं। तो शॉर्ट में जो लिखते हैं वो अपने तरह से लिखते हैं, संक्षेप बताते हैं। जैसे आप मूवी जाते हैं देखने, तो आप किसी को आकर क्या बताते हैं, पूरा कहानी का लाइन बाय लाइन बताते हैं, शॉर्ट में बताते हैं, हीरो था हीरोइन थी, ऐसे हुआ प्यार, फिर बिछड़ गए, फिर बीच में ये विलन आया, दो मिनट तीन मिनट में कहानी को आप ख़त्म कर देते हैं बताकर, उसी को बोलते हैं समरी। तो समरी जब हम बताते हैं तो क्या करते हैं, यूजिंग योर ओन वर्ड्स। तो आप जब आके घर में फिल्म के बारे में किसी को बताएं तो अपने शब्दों का ही ना इस्तेमाल किए कि फिल्म के डायलॉग का इस्तेमाल किए थे, तो अपने शब्दों का तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ है नॉट ए पार्ट, किसमें वो पार्ट समरी का नहीं है, तो अपना वर्ड तो हम यूज करते ही हैं, तो ये तो पार्ट है इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, एकदम टेक्स्ट में जो जो वर्ड दिया है वही वही शब्द का इस्तेमाल करना है, ये नहीं होगा, क्यों,
यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये समरी का पार्ट नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट वर्ड इस्तेमाल करेंगे जब तो फिर शॉर्ट होगा कैसे। शॉर्ट करना है तो अपने तरह से इस्तेमाल करना होगा शब्दों को। मेन आइडिया, तो मेन आइडिया तो हम देंगे ही समरी में, क्यों, क्योंकि जो समरी अति कहानी का जो मेन आइडिया उसी को गायब कर देंगे तो फिर समरी का क्या मतलब होगा। समरी बींग शॉर्टर देन द टेक्स्ट, और ये तो होता ही होता है। जो दिया हुआ है टेक्स्ट मान लीजिए 100 वर्ड में, तो उसको आपको 30 शब्दों में लिखना है, तो शॉर्ट तो करना ही पड़ेगा। तो समरी बींग शॉर्टर देन द टेक्स्ट ये तो पार्ट है ही, लेकिन कह रहा है नॉट पार्ट, पार्ट कौन सा नहीं है, तो ये वाला एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट ये हमारा जो है वो समरी का पार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल। जब कोई लेख लिखते हैं आतंकवाद पर, महिला सुरक्षा पर, या महिला एजुकेशन पर, या किसी दुनिया में किसी भी टॉपिक पर जब हम आर्टिकल लिखते हैं तो एड्रेस तो हम देते नहीं हैं आर्टिकल में, एड्रेस तो लेटर वगैरह में होता है। सब्जेक्ट तो भी जानते हैं लेटर में होता है, डेट नोटिस में होगा, लेटर में होगा। टाइटल क्या देते हैं स्टार्टिंग में, टाइटल कि किस टॉपिक पर हम वो आर्टिकल लिख रहे हैं। नेक्स्ट, आर्टिकल्स आर, आर्टिकल मतलब ए एन द वाला आर्टिकल नहीं, पढ़े होंगे आप लोग, लेख, अपना ओपिनियन देना है किसी चीज़ के बारे में, न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते होंगे लेख वगैरह, तो लेख जो होता है कहाँ नहीं लिखा जाता है, तो न्यूज़पेपर में तो लेख आता ही है, मैगजीन में भी लेख लिखने के लिए लिखा हुआ आता है। जर्नल्स, जर्नल्स का मतलब होता है शोध पेपर वगैरह, तो शोध पेपर वगैरह में भी लेख लिखते हैं लोग जो शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो क्या रिसर्च की वो अपना उसमें लिख देते हैं। लॉ बुक्स में हम नहीं लिख सकते हैं आर्टिकल, लॉ बुक में तो कानून की चीज़ होती है, तो वहाँ पर लेख क्यों लिखना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ ए लेटर टू एडिटर। एडिटर के पास लेटर लिखते हैं तो उसमें क्या नहीं देते हैं, टाइटल, बस इसको मार दीजिए आंसर ही हो जाएगा। क्यों, किसी भी लेटर में टाइटल थोड़ी देते हैं, शीर्षक को तो आर्टिकल लिखते हैं तब देते हैं। सैल्यूटेशन मतलब दुआ सलाम, प्रिय सर, रिस्पेक्टेड सर, ये सब तो लिखते ही हैं, डेट देना ही है, लास्ट में सिग्नेचर करना ही है, तो ये सब तो होगा ही, जो है ये नहीं होगा टाइटल। फिर इन लेटर राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन रिपोर्ट। जब हम लिखते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में जो रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं, तो न्यूज़पेपर जब पढ़ते हैं आप, कोई घटना घटता है तो कैसे लिखा जाता है, रेड़मा चौक पर उधर से एक ट्रक आ रहा था, इधर से एक बाइक जा रहा था, दोनों टकराया, इतने लोग जो है जख्मी हो गए, ऐसे हुए। तो आप ये बताइए कि ये सब आप पास्ट में ही ना चर्चा करते हैं घटनाओं की, प्रेजेंट फॉर्म में तो लिखते नहीं हैं, फ्यूचर टेंस में थोड़े रिपोर्ट लिखेंगे। इमीडिएट पास्ट माने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ज़्यादातर बातें लिखी रहती हैं, प्रेजेंट के तो चर्चा है नहीं, फ्यूचर में भी नहीं होगा, क्योंकि कल की घटना रिपोर्ट लिख रहे हैं तो एक घंटा, दो घंटा, चार घंटा, एक दिन पहले की ही ना घटना के बारे में आप चर्चा कीजिएगा, तो इसलिए इमीडिएट पास्ट में लिखा रहता है। चलिए नेक्स्ट, वी शुड नॉट इंक्लूड, इंक्लूड मैंने शामिल करना, हम लोगों को शामिल नहीं करना चाहिए रिपोर्ट राइटिंग में। तो रिपोर्ट लिखेंगे तो क्या चीज़ शामिल नहीं करेंगे, जो डाटा कलेक्ट करेंगे भाई, जो रिपोर्टर आएगा वहाँ पर जो डाटा उसको मिलेगा, इतना लोग मरा, इतना लोग जख्मी हुआ, तो वो तो देगा ही देगा, वहाँ के जो गवाह लोग होंगे उससे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो भी लिखेगा, ठीक है। तो जब ये दोनों लिखेगा तो नन ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता है, जब ये दोनों है तो ये कैसे होगा, इसलिए ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं, और ये आंसर भी नहीं होगा। सीधा आंसर क्या होगा, पर्सनल कॉमेंट्स, पर्सनल कॉमेंट्स हम लोग को नहीं देना है। फिर है मेनी टीचर्स कंप्लेन अबाउट देयर, अब देखिए यहाँ से ग्रामर सेक्शन है, ग्रामर में, ठीक है, यहाँ पर देखिए हमको भरना है डेज, डेज कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के पहले प्लूरल वर्ब ही आएगा भाई, है ना, उसके पहले सिंगुलर वर्ड्स नहीं आ सकते हैं, तो डैट होता है सिंगुलर, डैट है सिंगुलर, दिस भी है सिंगुलर, ये दोनों को ऐसे ही काट दिए हम, ठीक है। अब यहाँ पर है दीज और यहाँ पर है दोज, तो देखिए दीज डेज का मतलब होता है आजकल, और दोज डेज का मतलब होता है उन दिनों, तो यहाँ पर है मेनी टीचर्स कंप्लेन, कंप्लेन यानी कि भीवन, इसका मतलब हो गया बहुत सारे टीचर कंप्लेन करते हैं, ताहती है, तो जब करते हैं वर्तमान की चर्चा हो रही है तो आजकल ही ना होगा, उन दिनों थोड़े होगा, उन दिनों चर्चा करते हैं छात्रों के बारे में, कंप्लेन करते हैं नहीं, आजकल।
तो आजकल बहुत सारे टीचर अपने छात्रों को कंप्लेन करते रहते हैं। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14। रवि इज नॉट एट होम, रवि घर पर नहीं है, ही खालिस्तान आउट प्लेइंग फुटबॉल। अब ही है तो ही के साथ आर दीजिएगा, कभी एम दीजिएगा, एम तो सिर्फ आई के साथ आता है, ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गया। अब रहा बात इज दीजिएगा कि वाज दीजिएगा, तो देखिए यहाँ पर चर्चा प्रेजेंट की है, रवि घर पर नहीं है, तो जब नहीं है तो वो बाहर खेल रहा था कि खेल रहा है, तो ही इज आउट, ठीक है। अब इफ आई वेयर, देखिए ये हम लोग जब पढ़ते हैं तो एक रूल है, रूल सीखेगा कि इफ क्लाउज में वी टू या वेयर जब होगा तो उसके बाद सेकेंड क्लाउज जब आएगा तो उसमें उड जरूर होगा। इफ वाला में चाहे वी टू चाहे वेयर हुआ तो बाद वाला जो क्लाउज आएगा उसके बाद वाला उसमें उड जरूर होगा, एकदम सेट होता है इफ का और उधर का, और एक दो सेट होता है लेकिन वी टू का फिक्स है। अगर इफ वाला में वी वन या वी फाइव होगा तो बाद वाला में सेल या विल जरूर होगा, और इफ वाला में अगर हैड प्लस वी थ्री आएगा तो बाद वाला में उड भी आएगा कंपलसरी और हैव भी आएगा कंपलसरी, और इसके साथ वी थ्री होगा, यहाँ पर इसके साथ वी वन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इफ वाला में वेयर आया है तो यहाँ पर उड आ जाएगा, वुड नॉट डू इट। फिर करा चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जंबल्ड वर्ड्स। बहुत सिंपल होता है ये वाला दोस्तों, ऐसे इसमें तो बहुत डिफिकल्ट जटिल करके भी दिया जा सकता है, सिंपल इसको सीधा मैंने एक सेंटेंस बना देना यूज करके। इज एक्सपेक्टेड टू डू एवरी मैन हिज ड्यूटी, अपना कर्तव्य हर आदमी करना की आशा किया जाता है। तो सब्जेक्ट से सेंटेंस को शुरू करते हैं तो सब्जेक्ट क्या होगा, हर आदमी से आशा किया जाता है कि वो अपना कर्तव्य करे, तो एवरी मैन इज एक्सपेक्टेड टू डू हिज ड्यूटी, लगा दिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद बाकी जो बचा है वो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस के लिए देखिए सिंपल सा रूल जान लीजिए, पैसिव क्या होता है, कभी पैसिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कभी घबराइएगा नहीं कि पैसिव में इज एम आर वाज वेयर बी बीन या बींग प्लस भी थ्री, मैंने मेन वर्ब हमेशा तीसरे रूप में रहेगा और उसके बाद इसमें से कोई एगो जरूर आएगा, अगर इसमें से कोई एगो जरूर नहीं है भीतरी के पहले तो ये दोनों कॉम्बिनेशन नहीं हुआ तो कभी भी पैसिव हो ही नहीं सकता है। तो सिंपल आपसे क्या पूछ रहा है कि पैसिव वॉइस में कौन है, तो देखिए कौन जब पैसिव वॉइस में, तो देखिए यहाँ पर आर तो है, आर है यहाँ पर लेकिन आई एन जी आ रहा है, ये पैसिव नहीं है। विजिटेड यहाँ तो वी टू है, ना तो ई जेम आर है ना तो भीतरी है, ये भी पैसिव नहीं होगा। डिलीवर्स यहाँ वी फाइव है, ये भी पैसिव नहीं होगा। देखिए वाज आ गया और क्लिंट इसके साथ भीतरी ये भी आ गया, तो वाज है हमारा और भीतरी भी है, यानी कि ये पैसिव हो गया। सिंपल, बहुत अच्छा ट्रिक है, थोड़ा सा बस एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द लाइब्रेरियन गेव, गेव देखिए वी टू है तो वी टू का पैसिव होता है वाज वेयर प्लस वी थ्री, पैसिव का टेबल याद करना होगा बस आराम से बन जाएगा। तो वाज वेयर प्लस वी थ्री, खोजते हैं कहां पर है वाज वेयर प्लस वी थ्री, तो वाज गिवेन यहां पर है, हो गया आंसर। बाकी देखिए एम गिविंग है, इज गिवेन है, इज गिवेन है, ये सब नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग यहां तक रखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन से आपका बुक से है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।